जी ने बताया कि NACS नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर बिहार एंड झारखंड, तो NACS एक मूवमेंट के रूप में ऑलरेडी बन चुका है और इसमें हर साल जो है कम से कम 40 से 50 ऑफिसर्स जुड़ते जाते हैं और ये कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। इस सेमिनार से हम क्या उम्मीद करते हैं ये मैं बता दूं। इस सेमिनार से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है मंच पे अगले साल आ जाएं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हम लोग अब थोड़े पुराने ऑफिसर हो गए, आप लोग नए टॉपर्स को सुनिए और अभी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं इनवाइट करूंगा शुभम कुमार को कि शुभम जो है अपनी बात जो है आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ उसके बाद जो है दूसरे टॉपर्स जो है अपनी बात रखेंगे और फिर जो है लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और आप लोगों को मौका देंगे हम लोग कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो इस लाइन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके शुभम, चलिए यहीं से आराम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंच पे उपस्थित संतोष सर, विजय सर और सौरभ सर और अन्य सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे आए हुए सारे स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स, सबको अभिनंदन। जैसे कि सर ने बताया कि जब सर ने मुझे बोला कि ऐसा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं समस्तीपुर में, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 से 200 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ देख के और जितने एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप को मैं देखता हूँ, तो मुझे यकीन हो रहा है कि कितने लोग मोटिवेटेड हैं IAS बनने के लिए या सिविल सर्विसेज में आने के लिए। मैं कुमरी गांव कछार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और जो IAS बनने का जो सपना है वो मैं आपके तरह ही बहुत साल पहले देखा था और फिर जब मैं अपने स्कूल में था तो उस समय मुझे लगा कि पहले स्कूल की पढ़ाई को अच्छे से कर ले, सो मैं अपने मैट्रिकुलेशन पे फोकस किया। फिर उस टाइम मुझे लगा कि थोड़ा IIT का तैयारी कर लेते हैं, IIT की तैयारी की तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सो 2014 से 2018 में IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग किया। फिर 2018 से जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में था तो मैं अपना प्रिपरेशन जो है मैंने स्टार्ट किया। सो ये जो सिविल सर्विसेज या IAS बनने का जो ड्रीम होता है, जनरली जैसे मेरे साथ हुआ कि वो एक दिन का सपना नहीं था कि एक दिन ऐसे उठे और मन किया कि अब IAS बनते हैं, वैसा नहीं था, वो ग्रेजुअल प्रोसेस था। और जनरली जब आप कोई एक सपना देखते हैं, जब आप कोई किसी चीज़ का एम करते हैं, आप कोई चीज़ बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए, वो बाई कन्विक्शन वो आना चाहिए कि आप वो क्यों बनना चाहते हैं, कि अगर आप कुछ भी कोई भी चीज़ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आप वो क्यों करना चाहते हैं। जब ये आपका क्लियर होगा, सामने वाले प्लीज़ बैठ जाए, थोड़े पीछे वालों को देखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग बैठ जाओ, आपके लिए आ गया है और जो भी थोड़ा असुविधा हो रही है उसको खेल के और जो पाने वाले ऐसी चीजों को उसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सुनिए।
पानी पानी बैठ जाइए, पीछे वाले को देखने में आसानी नहीं। ये मैं जो एम की बात कर रहा था कि अगर आप कुछ भी चीज़ बनना चाहते हैं तो वो एक आपके अंदर से आना चाहिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं। जब आपका ऐसे क्यों क्लियर होता है कि आप उस चीज़ को क्यों अचीव करना चाहते हैं, तो फिर जो मोटिवेशन होता है या जो हार्डवर्क चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, सो वो सारा चीज़ अपने आप जो है वो आप कर लेंगे। मेरा जो आईएएस बनने का सपना था वो इसलिए था कि शुरुआत में मुझे लगा कि जो है कि मैं काफ़ी बड़े ना बड़े पैमाने पे मैं बदलाव ला सकता हूँ और लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर लगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा मुझे क्या मिल रहा है। सो ये मुझे कॉलेज के थर्ड ईयर में, मुझे जो सेकंड लास्ट ईयर था वहाँ पे ये यकीन हुआ कि जब मैं लोगों के लिए कुछ करता हूँ, कोई चेंज अगर आता है, इवन दो अगर लोगों को नहीं पता है किस व्यक्ति के वजह से वो चेंज आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज जब समाज में आता है तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे एक अंदरूनी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो मैं कॉलेज में, चूँकि मैं लीडरशिप रोल्स में था अपने हॉस्टल में, सो वहाँ पे जब मैं दूसरों के लिए काम करता था तो मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता था। सो आई थिंक आपका भी अगर जो एम है वो अगर क्लियर हो कि वो आप क्यों बनना चाहते हैं, तभी आप किसी भी एग्जामिनेशन की जो है वो तैयारी करें। जब ये मेरा एम क्लियर हो गया, जैसे कि मैं कॉलेज में था तो मैं अलग अलग कैरियर पाथ भी देखा, ऐसा नहीं है कि सीधा मैं आईएएस की का डिसाइड किया पहले तो 100% इसी के तरफ गए, नहीं, पहले मैं और सब चीज़ें देखा कि मुझे जो है वो कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने में तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं रिसर्च वर्क भी किया, मैं सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया एज अ इंटर्न, मैं दो दो महीने उसमें काम किया, फिर जाके मैं डिसाइड किया था। सो आपका भी जो डिसीज़न हो, आप जो भी क्लास में हो या कॉलेज में हो, तो आप अपने कैरियर पाथ को बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छे से देखें कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इंटरेस्ट है कि नहीं, सो उस सर्विस में आप अच्छा कर पाएंगे, वो सारा चीज़ आप एनालाइज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप कॉलेज में रहेंगे, जब आप फाइनल ईयर में रहेंगे, तब वो मैच्योरिटी आ जाती है, तो वहाँ पे आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका पहले से जो है वो एम बहुत क्लियर है, आपको सारा चीज़ जो है पता है कि आपको क्यों बनना है, तब आप जो है आप पहले से भी तैयारी कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा जब एक मैच्योरिटी आने के बाद जब आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से थोड़ा बेटर तैयारी कर पाते हैं। और जिस भी क्लास में, जैसे मैं बहुत जो है वो छोटे बच्चों को भी देख पा रहा हूँ, सो अगर आप छोटे क्लास में, तो पहले कोशिश करिए कि आप जिस क्लास में हैं वहाँ पर अच्छा करें। आप तीन चार चीज़ पे फोकस करिए कि आप राइट वैल्यूज़ आप सीख रहे हैं, आप घर पे हैं, आप अपने स्कूल में जाते हैं, तो आप अच्छा बिहेव करिए, आप एक राइट ह्यूमन बीइंग बनिए, पहले आप अच्छा इंसान बनिए, फिर आप अच्छे हैबिट्स डेवलप करिए कि आप एक दो घंटे सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं। एक घंटे भी सेल्फ स्टडी अगर आप 7th, 8th, 9th में कर लेते हैं वो मोर देन सफिशेंट होता है, तो सेल्फ स्टडी की हैबिट्स डालें। आप खुद को एनालिसिस करने, आपको खुद को एनालाइज करने का जो है ये चीज़ आना चाहिए कि आप कहाँ पे वीक हैं, आपके स्ट्रेंथ एरिया कहाँ है। अगर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, सो ये सेल्फ एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जब मैं प्रिपरेशन में था तो ये सब चीज़ें जो मैं डेवलप किया स्कूल डेज में, जैसे सेल्फ एनालाइज करना, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानना, फिर उस पर वर्क अपॉन करना, फिर एक प्लानिंग करना, तो ये सब चीज़ मुझे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प किया। सो जैसे मैं क्लास 6 में एक नए स्कूल में गया था पूर्णिया बिहार में, सो मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, मैं लगभग 35 से 40 के बीच में मेरा रैंक रहता था। 7th में भी यही हुआ, फिर 8th में मुझे रियलाइजेशन हुआ, वो कॉन्शियसनेस डेवलप हुई कि मैं पीछे आ रहा हूँ तो क्यों आ रहा हूँ, मुझे इस पर वर्क अपॉन करना है। सो मैं एक प्लान के तहत क्लास 8 में वर्क किया,
जो जो वीकनेस थी, स्मॉल स्मॉल चीज़ें थी, जैसे रिवाइज करना, मैं कम रिवाइज करता था एग्जामिनेशन से पहले, या कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे, तो ये सब चीज़ पे मैं वर्क किया। और ऐसा हुआ कि क्लास 8 में मेरा रैंक जो है वो 35 से फिर सेकेंड स्थान पर जो है, मैं विद इन वन ईयर जो है ये मेरा प्रोग्रेस हुआ। और उस टाइम में दो तीन चीज़ें सीखा, मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला कि आप जब एक प्लान और स्ट्रैटेजी के तहत आप मेहनत करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। आपका गोल क्लियर है कि आपको इतना रैंक लाना है या इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, लेकिन उसका जो पाथ है वो अलग अलग हो सकता है। तो एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना बहुत, सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आप प्लान करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एक प्लान करिए। फिर दूसरा चीज़ जो मैं सीखा कि आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, आपको खुद से कंपटीशन करना है। अगर मेरा ये परफॉर्मेंस आज जो भी है, मैं अगला दिन मैं उससे बेटर करूँगा। सो ये चीज़ आप मन में ठान लें कि आपको दूसरों से मतलब कंपैरिजन नहीं करना, कंपटीशन खुद से करना है। आपको हमेशा एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना है। जैसे मैं अपने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन में अपने टेबल के आगे ऐसे एक कोट लिख के रखा था कि आई हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हर दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना एक बेटर, अपने मेरे पर्सनैलिटी, मेरे नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो, कुछ गेन हो, और एक मैं बेटर व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बन के मैं निकलूँ। फिर तीसरा चीज़ जो मुझे स्कूल में समझ में आया था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रिट। ग्रिट कहते हैं जिद्दीपन, कि आप कुछ ठान ले तो वो करके आप दिखाएं। अगर मैं किसी चीज़ का एम किया और मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फिर एनालाइज करूँगा, मैं देखूँगा कमी कहाँ है, फिर उस पर वर्क करूँगा, फिर उस पर पूरा 100% दूँगा। और जिद एक मची रहनी चाहिए कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मैं मुझे ये करना है। सो ये जो है कि मुझे ये करना है और एक दिन मैं करके दिखाऊंगा, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी भी मुकाम पे जाएंगे, सो ये जो जिद होती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म करने का, ये जिद आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये जनरली ये सब मैं अपने स्कूल डेज में सीखा। और फिर ये जब मैं जेई का तैयारी कर रहा था, मैं जब IIT JEE की तैयारी कर रहा था, उसमें भी फिर मैंने यही जो है वो मैं कोशिश किया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, आगे वाले थोड़े बैठ जाएं तो पीछे वाले को दिखेंगे। एक माइक वो वाला नहीं है, कॉर्डलेस वाला। तो जब आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, तो मेरा ऐसा मानना रहता था कि अब मैं शुरुआत में जाके बहुत अच्छा कहीं पे भी परफॉर्म नहीं करता था। जैसे स्कूल में गया तो क्लास 6-7 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर जब मैं 11-12 में गया तो मैं चिन्मय विद्यालय बोकारो से पढ़ा था, सो वहाँ पे भी मेरा इनिशियल जो रैंक्स आते थे वो अच्छे नहीं आते थे। लेकिन हर जगह, या UPSC प्रिपरेशन या कॉलेज हो, तो शुरुआत में मेरे जो ग्रेड्स होते थे, जो परसेंटेज आता था, वो अच्छा नहीं होता था। लेकिन मैं हमेशा जो है वो सेल्फ एनालिसिस पे बहुत फोकस करता था। मैं हमेशा देखता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जो एम है उससे मैं डेविएट तो नहीं हो रहा। सो हर जगह मेरा फिर परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा करके आपको सीढ़ी चढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सो इससे क्या होता है कि आप एक दिन में, हो सकता है आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप धीरे धीरे करके साल के एंड में, 2 साल के एंड में आप अच्छा करेंगे। तो 11th में जैसे मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए, और इसी तरीके से जब मैं कोचिंग में 11th में था, फिजी बोकारो से मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन 12th के एंड में आते आते मैं जो है वो स्कूल का वन ऑफ द टॉपर भी रहा 12th बोर्ड में, और फिर जो है वो JEE में सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन जब मैं UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो उतना मैटर नहीं करता। जब आप UPSC के प्रिपरेशन में आते हैं तो आप ऑलमोस्ट सेम पायदान से स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि मैं बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ता ही नहीं था, सोशल साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है यूपीएससी में, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सो वो कुएं के मेंढक की तरह था कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स को जानता हूँ लेकिन बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था। सो जब मैं तैयारी स्टार्ट किया जनवरी 2018 में मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। सो वहाँ पे जो है मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे कि जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया द हिंदू, तो द हिंदू के काफ़ी सारे वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते थे। फिर जब आंसर राइटिंग स्टार्ट किया तो एक पैराग्राफ लिखने में मुझे 15 मिनट लग गए, जबकि एक दो मिनट लगता है इनिशियली इंट्रोडक्शन लिखने में। सो ये प्रॉब्लम आया कि लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 4 साल से कुछ लिखा नहीं। फिर जो है इंग्लिश में प्रॉब्लम आई, वर्ड्स वगैरह समझ में नहीं आते थे। सो मैं फिर जो है इसमें वर्क करना स्टार्ट किया। डिक्शनरी जैसा मैं मेंटेन करता था, वर्ड्स की मीनिंग लिखता था। सो धीरे धीरे करके 3-4-5 महीने में जो है वो फिर लैंग्वेज पे धीरे धीरे कमांड जो है वो आना स्टार्ट हुआ। फिर आंसर राइटिंग जो है उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, कम टाइम में मैं जो है वो आंसर लिख पा रहा था। सो आपकी समस्याएं अनगिनत हो सकती है, काफ़ी सारी समस्याएँ हो सकती है, आपका हेल्थ का इश्यूज़ हो सकता है, घर की समस्याएँ हो सकती है, काफ़ी सारी समस्याएँ हो सकती है। लेकिन जब आप किसी बड़े चीज़ का एम करते हैं तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ का सॉल्यूशन निकले, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें, हर चीज़ को एनालाइज करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको सोचें कि 2 साल तक मैं इग्नोर करूँगा, है ना, इग्नोर करें और अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो एकाग्र होकर आप पढ़ाई करें। सो जैसे मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, जो भी है, तो मेरे मम्मी पापा जो पेरेंट्स जो फैमिली का सपोर्ट मिला वो कभी भी मुझे घर की समस्या कभी नहीं बताते थे, सारा चीज़ बोलते थे अच्छा चल रहा है तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पूरा एनर्जी है वो एक तरफ जाना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप 2-3 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि एक बार में एक एग्जामिनेशन को टारगेट करें और अगर बाई चांस अगर नहीं सफलता मिल रही तब आप किसी और एग्जामिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। अगर ओवरलैप है सिलेबस में, जैसे यूपीएससी है बीपीएससी है, अगर ओवरलैप है और एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन इंपैक्ट नहीं हो रहा, तभी आप एग्ज़ाम दें। मैं बीपीएससी का सोचा था, अपने पहला अटैम्प्ट में दिया भी नहीं था, पहला अटैम्प्ट दिया था 2019 में और रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं सोचा, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बहुत डिस्करेज किए कि नहीं तुम पहले एक एग्ज़ामिनेशन को 2-3 अच्छे अटैम्प्ट दो, उसके बाद तुम किसी और एग्ज़ाम की सोचना। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आप पहले एक एग्ज़ाम पे फोकस करें और क्योंकि आपका एनर्जी एक जगह जाएगा तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर यूपीएससी में देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, अगर आप और सब एग्ज़ाम में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं, यूपीएससी में 5 लाख लोग बैठते हैं और उसमें भी 50,000 से 60,000 लोग काफ़ी सीरियस होते हैं, जो सीरियस अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। फिर जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है तो 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन उसमें से 3 से 4-5 हज़ार ऐसे लोग होते हैं जो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको लगता है कि इस बार प्रीलिम्स हो गया है अगली बार अच्छे से मेंस देंगे या उतना अच्छा मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो एंड में रियल कॉम्पिटिशन जो है वो 4 से 5 हज़ार लोगों में रह जाता है और फिर जब इंटरव्यू कॉल आता है 2200-2300 लोगों का, फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा रैंक के साथ आप निकल सकते हैं। सो ये सारा जो ये गेम है यूपीएससी का, उसमें कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो बहुत बार ऐसा होता है तैयारी करने के बाद भी कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आता है, तो इस बार भी मेरा ऐसा हुआ कि 9 जनवरी से एग्जामिनेशन था और 24-25 दिसंबर को मुझे अभी भी याद है डेट्स, वो मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि लो फील कर रहा था। तो यूपीएससी का जर्नी में ये बहुत कॉमन है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जर्नी में कि आप काफ़ी सारे इमोशन से गुजरेंगे, आप जो है कभी बहुत खुश होंगे अगर टेस्ट सीरीज में अच्छा करेंगे, कभी जो है निराशा होगी, कोई अगर अच्छा कर रहा है आपसे और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं लो होगा, कुछ आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। तो ये बहुत कॉमन है और 15 दिन एग्जामिनेशन से 15 दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार का मेंस जो है वो ख़राब हो गया, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, थोड़ा ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटीज़ था, फिर ठंड का टाइम था दिल्ली में, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों तक। सो
ये सारा चीज़ हुआ, लेकिन फिर एंड में मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं तुम शुभम अच्छा करोगे, तुम एग्ज़ाम अच्छे से दो, अभी जो 10-15 दिन बचे हैं उसमें अच्छे से रिविज़न करो। सो इट्स वेरी कॉमन कि आप जो है अलग अलग इमोशन से गुजरेंगे, और जो भी टॉपर्स हुए हैं वो भी इस फेज से गुजरते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स, वो पूरे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी उनका प्रिपरेशन फेज़ होता है वो इन इमोशन से गुजरना पड़ता है। और जो मैंने जो तैयारी स्टार्ट की 2018 में, तो इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ द रोल ऑफ आंसर राइटिंग, कि आप आंसर राइटिंग करें, और बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन और इट्स नेचुरल कि जो आप पहला आंसर लिखेंगे वो आप सबसे ख़राब आंसर लिखेंगे, आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। सो लेकिन आप अगर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप बार बार लिखते हैं, आप बार बार रिवाइज़ करते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट हर आंसर में होगा। और इफ़ यू मतलब राइट आंसर्स डेली, 15 दिन के बाद आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा यू कैन नॉट मतलब इमेजिन। आप पहला दिन का कॉपी अगर 15 अपने 15th डे से करेंगे या मंथ के एंड से करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। सो ये जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है और जो आंसर राइटिंग है, कंसिस्टेंट मेहनत है, ये बहुत ज़रूरी। आई थिंक जो भी मंच पे हैं वो उन लोगों ने ये सारा चीज़ जो है वो फॉलो किया होगा। और जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी जो 2018 में किया तो उस पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको देखना है कि किस वजह से क्लियर नहीं हुआ, आप कहाँ पे जो है वो कमियाँ रह गई, किस एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए। ऐसा होगा कि हर बार का प्रीलिम्स आपको नया लगेगा, क्योंकि यूपीएससी ट्राई करता है कि पैटर्न जो है वो एस्पिरेंट्स नहीं पहचान पाए, नए पैटर्न का क्वेश्चंस वो देगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस अच्छे से करना है, आपको बार बार रिवाइज़ करना है, और ब्लंडर्स जो है वो कम से कम करना है एग्जामिनेशन हॉल में। सो आप बार बार उस चीज़ को करें, आप अपने कमियाँ को जानें और तैयारी अच्छे से करें। और जो प्रीलिम्स है उसमें ब्लंडर्स आपको अगर एग्जामिनेशन में कम करना है तो थोड़े मॉक पेपर्स अच्छे से आप प्रीलिम्स से पहले लगाएं। और सिमिलरली मेंस के लिए भी, जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसे आप जिस दिन देते हैं तो आप मेंस का रिजल्ट का वेट ना करें कि मेंस का रिजल्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगा। प्रीलिम्स जैसे ख़त्म होता है आप मेंस की तैयारी करें। हो सकता है इस बार प्रीलिम्स ना हो, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी एक बार करते हैं तो अगले अटेम्प्ट में बहुत आपके लिए आसान हो जाता है फिर से मेंस की तैयारी करना। सो प्रीलिम्स 2019 में 2 जून को था, मैं 3 जून से जो है ऑलमोस्ट 3rd या 2nd जून को था, और मैं अगले दिन से तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 में प्रीलिम्स से पहले मैं मेंस की तैयारी उतना अच्छे से कर नहीं पाया था, 20-30% की सिलेबस कवर कर पाया था। तो याद रखिए कि अगर एक बार आपका प्रीलिम्स होता है और अगर आप 100% देते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मेंस में क्लियर करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। फिर उस साल मुझे 290 रैंक आया और मैं भारतीय रक्षा लेखा सेवा में जो है वो उसमें मेरा चयनित हुआ, उसमें मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी। सो वहाँ पे जो प्रीलिम्स और मेंस का जो टाइम है उसमें आपको बस पढ़ना ही है, पढ़ाई के अलावा आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। आप 9 से 10 घंटे करके पढ़ें, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लें और एफिशिएंसी पे वर्क करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टॉपिक बहुत लंबा पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्टडी स्लॉट्स को 1 घंटे में पढ़ता था, लेकिन 55 मिनट या 50 मिनट पढ़ता था, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता था हर घंटे। सो इस तरीके से आप डिवाइड करें, आप एफिशिएंसी पे काम करें, और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखें। जैसे मेरा 9 सितंबर को इस बार इंटरव्यू था और 24 सितंबर को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के दिन भी मैं अगले प्रीलिम्स जो कि 10 अक्टूबर को होने वाला था उसकी मैं तैयारी कर रहा था। और इंटरव्यू और रिज़ल्ट के 15 दिनों में मैं 5 से 6 प्रीलिम्स के मॉक पेपर्स भी मैं दे दिया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो तैयारी है वो कंसिस्टेंट रखें। जब तक आपको आईएएस नहीं मिल जाता या आईपीएस नहीं मिल जाता, जो भी सर्विस की आप एम करते हैं, जब तक वो नहीं मिल जाता आप उसमें तैयारी कंटिन्यू रखें। और जब आपको लगता है कि आप 100% दे दिए, आप एग्ज़ाम में और इम्प्रूव नहीं कर सकते, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, तब आप कुछ और चीज़ की भी सोच सकते हैं। उसमें निराश नहीं होना। देखिए, आपका अल्टीमेट एम अगर है कि आप समाज में सेवा करना चाहते हैं, आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। और चूंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, बहुत लोगों को का नहीं हो पाता है,
लेकिन आप अगर 100% दे तो आप में कभी ये खलेगा नहीं बाद में कि मैं 100% नहीं दे पाया, मैं मेहनत नहीं कर पाया, जब टाइम था तो उसको यूटिलाइज नहीं किए। सो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि आप 100% एग्ज़ाम को दें, तैयारी कंसिस्टेंटली करें, एक प्लान के तहत करें, और मॉक पेपर दें, आप जो है आंसर्स लिखें, आप पीयर ग्रुप, आपका जो फ्रेंड सर्कल है दो तीन लोगों का एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाएं, उसमें आप डिस्कशन करें। होता क्या कि ये जर्नी बहुत लंबा होता है, तो एक इमोशनल सपोर्ट और एक पीयर ग्रुप अगर बन जाता है तो आप चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करने से क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती है। तो अगर आप दो तीन लोगों का पीयर ग्रुप बनाते हैं, और विद इन पीयर ग्रुप फिर आपको कंपटीशन नहीं रखना है, अगर आपके पीयर ग्रुप में चार लोग हैं या तीन लोग हैं तो आपको तीन सीट हैं आईएएस के लिए, तो आप उसके लिए आप फिक्र ना करें, आप विद इन पीयर ग्रुप कंपटीशन ना रखें, आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। और उसका फ़ायदा मुझे 2020 और 2019 दोनों के अटैम्प्ट में बहुत हुआ। 2019 में मेरा स्कूल फ्रेंड मेरे साथ था, तैयारी करते थे, साथ में तैयारी किए, फिर उसका 404 रैंक आया, और फिर अभी बिहार कैडर में ही वो आईएएस ऑफिसर है। सो इसी तरीके से 2019-20 के अटैम्प्ट में मेरे साथ जो दोस्त थे वो IRS IIT में है। सो सबका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग काफ़ी चीज़ डिस्कस कर लेते थे, काफ़ी फैक्ट्स, फिगर्स, कमिटीज़, ये सब के जो नाम है वो डिस्कशन करने से ही याद हो जाता है। सो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फैमिली, पीयर ग्रुप, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम। सो अगर आपके पास अगर पीयर ग्रुप नहीं भी है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। फिर इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो रखें, और जो भी निगेटिव लोग आपके साथ होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे दूरी बना के रखें। कल ही डिस्कशन हो रहा था तो संतोष सर बोल रहे थे कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि आप साइलेंट रहें। अगर आपको डीमोटिवेट करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो आप उस पर ध्यान ही ना दें, उसको रिप्लाई ही ना करें। आप शांत तरीके से अपने लक्ष्य के तरफ बस आप तैयारी करें, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आप दो कमेंट का उसका रिप्लाई करने जाएंगे, उनको जवाब देने जाएंगे, तब तो हो गया, तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो 2018 में जब मैं UPSC का जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तो एक रिलेटिव मेरे पापा से कहते हैं कि जॉब नहीं लगा क्या, इसलिए तैयारी कर रहा है क्या? तो ये कॉमन होगा, आपके जो रिलेटिव्स होंगे वही आपको जो है नीचे रखेंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो सारे लोग फिर आपके घर पे आ जाएंगे और अपना ही कहेंगे। सो जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनसे आप दूरी बना के रखें, और अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखें कि नहीं, आपका होगा, किसी एक ना एक दिन आपका जो है, आपका भी नाम जो है लिस्ट में आएगा। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप तैयारी करें। इसके साथ साथ जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है उससे आप दूरी बनाएं। जैसे मैं जब तैयारी स्टार्ट किया तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग जॉब कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और वो फेसबुक से थ्रू पता चल रहा था, तो मैं फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दिया। अगर आपको लगता है कि आप उसको लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्शंस फील हो रहे थे इसलिए मैं फेसबुक या सोशल मीडिया से मैं दूर रहा, और बाकी और सब भी समस्याएँ आई। तो सबका आपको सॉल्यूशन निकालना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम करना है, और ये बहुत कॉमन है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगी, ऐसा नहीं होगा, हर दूसरे दिन होगा। एक घंटे का मैं स्टडी स्लॉट्स रखता था, तो उसमें जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 20 मिनट के बाद ध्यान आता था कि ये करना है, वो करना है, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो जो भी दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं उसी पढ़ाई के दौरान जो है आपको याद आएंगी, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय आपको दिमाग को फुसलाना है कि बस एक घंटे मुझे पढ़ना है, उसके बाद करेंगे, उसके बाद आपको याद ही नहीं रहेगा। सो आपका ये माइंड गेम भी है, UPSC में आपको माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना है, और थोड़ा माइंड को अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना है, ताकि आप लॉन्ग आवर्स या अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। इसी तरह काफ़ी सारे स्टेज में अगर मेरा 290 रैंक आ गया, लेकिन फिर तुरंत 5 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि IAS तो मिलेगा नहीं, तो तैयारी जो है वो स्टार्ट करना है, तो माइंड मेकअप करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रिपरेशन में। आप माइंड को अच्छे से मेकअप करें, और जिस भी स्टेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू,
उसके अकॉर्डिंग माइंड को आप ट्रेन करें और कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, आप चीज़ों की सॉल्यूशन निकाल के आए, आप स्ट्रैटेजी बनाएं। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल होता है, स्टैटिक पार्ट का अच्छा खासा रोल होता है। तो आप जो बुक, एक बुक लिस्ट आप बना लें या जो सोर्सेस हैं उसको लिमिट कर लें, उसी को बार बार पढ़ें, उसी को रिवाइज करें, ब्लंडर्स एग्जाम में कम करें। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर कुछ कोचिंग का जो मंथली कंपाइलेशन आता है विजन आईएएस का, मैं वो रेफर किया। सो इस तरीके से आप जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव रखें और यूपीएससी सिलेबस को रेफर करें और कोशिश करें कि जो भी टॉपिक यूपीएससी के इसमें दिया हुआ है उसमें आपको एक 100-200 वर्ड्स के नॉलेज है, आपको सफिशिएंट डिसेंट नॉलेज है, ताकि एग्जामिनेशन में आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, आप हर टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा जो है वो लिख पाएँ। सो ये जो पूरा जर्नी है, आई थिंक ये आपको बहुत चीज़ सिखाता है। इनफैक्ट 3 साल में जो मैं सीखा, मुझे